पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने आम नागरिकों का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। एक तरफ कोरोना महामारी से बेरोजगारी बढ़ रही है व दूसरी तरफ हर तरफ राहत पैकेज के नाम पर सिर्फ समस्या और संकट ही मिल रहा है। बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतर गई है। बुधवार को शहर कांग्रेस ने शहर अध्यक्ष महेंद्र कटारिया के नेतृत्व में शहीद चौक पर प्रदर्शन किया। यहां कांग्रेस जन हाथों में तख्तियां लिए पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने एएन टाइम्स को बताया, कमेटी के निर्देश पर यहां पर हमने दोनों ब्लॉकों के संयुक्त रूप से यहां पर प्रदर्शन किया गया है। वर्तमान में आप देखिए कि जब भी पूरे भारतवर्ष में पेट्रोल के दर की निरंतर वृद्धि की जा रही है, आप जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल के रेट अभी सर्वोत्तम निचले स्तर पर हैं, उसके बावजूद भी केंद्र में बैठी हुई सरकार और प्रदेश में बैठी हुई सरकार जनता का बिल्कुल ध्यान न रखते हुए लगातार टैक्स बढ़ाई जा रही है, जिसके कारण परिणाम स्वरूप डीजल और पेट्रोल के दर में पिछले 15 दिन के अंदर अंदर करीब 10 रुपये की वृद्धि हो गई। अब यह वृद्धि सीधी सीधी आम जनता की जेब पर पड़ रही भारी, क्योंकि इससे आपका ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है। किसान अपनी जो बोनी करने जा रहा है उसके डीजल और ट्रैक्टर के जो डीजल लग रहा है वो भी उसको महंगा पड़ रहा है। आज समझिए 3 महीने के लॉकडाउन पीरियड में लोगों का रोजगार बिल्कुल बंद हो गया था और वर्तमान परिस्थिति में धीरे धीरे एक सामान्य स्थिति में लोग जा रहे थे और उसके बावजूद आज ये जिस प्रकार से डीजल और पेट्रोल की वृद्धि की जा रही है, वापस जिनकी बेपटरी हो जाएगी, ये बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है और कांग्रेस ने इसी के लिए आज विरोध प्रदर्शन के लिए हमने यहाँ पर उपस्थित हुए। इधर कांग्रेस ने ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष विजय सिंह चौहान मोहसिन खान के नेतृत्व में दिल बहार चौराहे पर प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में प्रदर्शनकारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन एसडीएम लक्ष्मी गामण को सौंपा। इस मौके पर बसंत पंड्या, कमरुद्दीन कछावा सहित कांग्रेस नेता उपस्थित थे। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता विजय सिंह चौहान ने कहा, पेट्रोल और डीजल के भाव लगातार प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उसी के विरोध में आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्देश पर रतलाम शहर कांग्रेस एवं ब्लॉक कांग्रेस द्वारा आज ज्ञापन देकर विरोध प्रदर्शित किया गया है। जबकि वर्तमान समय में क्रूड ऑयल पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने न्यूनतम दाम पर है और न्यूनतम दाम पर होने के कारण जबकि ये पेट्रोल डीजल के भाव कम होना चाहिए और ये भारत की सरकार लगातार इसके मूल्य वृद्धि करती जा रही है। लॉकडाउन पीरियड में 77 रुपये 66 पैसे जब रेट था तो कम होना चाहते उस समय पैसे उस समय इन्होंने कम नहीं करा और अब जब भाव बढ़ रहे हैं तो लगातार वृद्धि करती जा रहे हैं। इसका हम बहुत घोर विरोध करते हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद। कुंभकर्णीय नींद में सो रही नगर निगम की अकर्मण्यता उजागर होकर सवाल ही खड़े कर रही। सन सिटी अलकापुरी के बाद बुधवार की सुबह फिर बीरिया खेड़ी मेन रोड पर विद्युत पोल से करंट लगने पर एक गौवंश की मौत हो गई। करंट लगते ही गाय तड़पने लगी और विद्युत पोल के पास ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। नागरिकों ने गाय पर पानी डालकर उपचार करने का प्रयास भी किया, लेकिन तब तक गाय ने दम तोड़ दिया। गाय की मौत होते ही नागरिक आक्रोशित होकर व्यवस्था को नकारा साबित करते रहे। इस विद्युत पोल के पास ही सुलभ कॉम्प्लेक्स भी है। बताया जाता है इस पोल से एक बच्चे को भी करंट लग चुका है। क्षेत्रीय रहवासियों ने बताया, ये क्षेत्र में एमपीपी की विद्युत मंडल की लापरवाही से गोवंश की आज मृत्यु हो गई। पूर्व में भी परसों एक गोवंश की मृत्यु हो गई थी, दो गायें नगर निगम की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो ये मतलब प्रतिदिन का क्रम चले जा रहा है पिछले 15 दिनों में। पुलिस प्रशासन भी जो संबंधित अधिकारी उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई करनी है, तो प्रशासन को भी अवगत करा, आज फिर आवेदन दिया इस मामले में। ये तीसरा चौथा आवेदन हो जाएगा हमारा कि हम लोगों को इस तरह के आवेदन देने पड़ रहे हैं। जो भी अधिकारी हैं ना पोलों की जाँच कर रहे हैं ना करंट उतर रहा है उस विषय पर कुछ देख रहे हैं, तो इस कल को कोई गंभीर हादसा हो जाएगा, इसके लिए इन सबको इन सब पर कार्रवाई करनी चाहिए। घर से निकली थी, जंगल जा रही थी चढ़ने के लिए, तो जैसे ही घर से निकली थी यहाँ पे पोल के पास में आई तो करंट से छेड़ गई यहाँ पे। उसके पीछे दूसरी गाय आ रही थी वो भी छेड़ गई, तो वैसे छुड़ाने के लिए पड़ोसी आया एकदम, उन्होंने रस्सी वस्सी बांध के ना छुड़ा उसको। तो जैसे भी जो भी आ रहा है उसको छुड़ाने के लिए उसको करंट लगा उसको। ये तो मान लो छोटा सा हादसा था गाय का हुआ, मान लो शौचालय के पास में। गाय के साथ कितने लोगों को करंट लगा? लोगों को नहीं, वो छोटा बच्चा था, वो गाय लेके जा रहा था, अब वो भी चेड़ गया था बच्चा, मोहल्ले वालों ने उसको हाथ पकड़ के खींचा उसको।
कितनी गाय को करंट लगा? दो गाय को, तीन गाय को लगा करंट। एक मर गई, दो गाय बचाली है, एक मर गई। ये पास में शौचालय है, जैसे बच्चे भी आते हैं, महिला भी आती है शौचालय में, और यहाँ पे महिलाएं आती है कोई थंबे के पोल के पास से निकली, मान लो चलो ये तो गाय थी, महिला को बच्चों को करंट लग जाता। तो यूँ तो गौवंशों की रक्षा सुरक्षा के लिए ढेरों गौ भक्त कई संस्थाएं हैं, बावजूद इसके ऐसे मामलों असंवेदनशील प्रशासन को कटघरे में खड़ा करने के लिए सब चुप्पी साध लेते हैं। मानसूनी बारिश शुरू होते ही व्यवस्था खुलकर सामने आ गई है। हर तरफ खुदाई, गड्ढों और कचरे के ढेर से नागरिक त्रस्त हो गए। वही बारिश से फैली कीचड़ हादसों का कारण बन चुकी है। यह है बीरियाखेड़ी क्षेत्र, जिसे अयोध्या नगरी के रूप में विकसित कर राजनीति में लगे जिम्मेदारों ने अपना ग्राफ बढ़ाया था, जो अब समस्या नगरी बन गई है। सड़क और नाली की समस्या ने यहाँ रहने वालों का जीवन नरकीय बना दिया है। नालियाँ नहीं होने से गंदा पानी सड़कों पर बहता है, बारिश में यह गंदा पानी घरों में घुस जाता है। गंदगी होने से प्रदूषण और जंतुओं से हमेशा भय बना रहा है, लेकिन ना तो जनप्रतिनिधि सुनते हैं और ना ही प्रशासन कभी व्यवस्था सुधारता है। ऐसे में घरों घर बीमारियां पहुंचना लाजमी ही है। क्षेत्रीय नागरिकों का कहना है कि क्या समस्या आ रही है इधर? समस्या ये आ रही है सर के, ये नाले गंदे गंदे वाला इतना हो रहा है और घर में तक बास आ रही है और पूरा अच्छा। पानी इधर भरा हो गया है, सब पानी किधर जाने का रास्ता भी नहीं है। अब अंदर अंदर पूरी बास आए, हम लोग बीमार हो रहे हैं। एक तो बीमारी से परेशानी, एक नाले का पानी से परेशानी। अब हम तो परेशानी हो रहे हैं, बड़ा ज़्यादा बीमार हो जाएगा तो इतना पैसा कहाँ से लाएंगे हम? नाली हो जाए तो थोड़ा हमको भी सूखी हो जाए, हम भी कीचड़ जम गया 5 साल से ये। अब यहाँ से इतना, यहाँ से सब इधर उधर से सब पानी रहता है, वहाँ जाके गंदा हो जाता है, उधर से बास इधर मारता है, कभी हमारे लेटरिन बाथरूम का पानी रुक जाता है तो वो भी बास मारता है। क्या समस्या आ रही है? पानी हर दिन पानी भरा रहे हैं यहाँ पे घर का आंगन में, पास में रूम न बैठ पाऊँ मैं घर का आंगन, इतनी बास मारे बच्चे बच्ची है छोटे छोटे, और क्या करूँ मैं, इतनी परेशानी आ रही है। बस कर कोई सुनवाई नहीं कर रहे, बोले नगर पालिका जाए तो कोई सुने ही नहीं कर रहे, बोले हाँ आएंगे आएंगे, पार्षद भी नहीं है यहाँ पे, और समस्या आ रही है दरोगा भी साफ करने, वो भी क्या, वो भी नहीं मना कर दे, बोले हम क्यों करें, हम क्यों करें, यूँ बोले। तो उतना पानी भर रहे बस, सब बारिश का पानी पूरा मेरे घर का आंगन आ गया। किसी अधिकारी वगैरह को सूचना दी? सबको दे दी, लिख लिख के 2-3 बार दे दी, बाकी वो सुनाई नहीं कर रहे, आवेदन दे दे 2-3 बार। कल फिर देखे, कल भी देखे या कल के, कल भी देखे आए तो भी नहीं आए, आ रहे हैं। क्या क्या आश्वासन मिलता है? ये कागज, कागज देखो, ये कल भी देखे आए, पहले दो पहले दे दिया हमारे। सारा पानी घर के सामने आता है और नगर निगम में भी दे दिया आवेदन, लेकिन कोई भी नहीं आता, कोई सुनता ही नहीं, बोलते हाँ आ जाएंगे कर देंगे, लेकिन करता कोई भी नहीं। इतना पानी भरा है, बाकी सारा पानी यहाँ आ जाता है, पीछे हो जाता है पूरा। पावर हाउस रोड पर चल रहे सिटी टू लेन निर्माण के कारण इस क्षेत्र की व्यवस्था बिगड़ गई है। आवागमन अवरुद्ध नहीं होने से वाहन रेंगते हुए चल रहे हैं और दोनों तरफ से वाहन आने पर जाम की स्थिति बन जाती है। बारिश के समय तो यहाँ की स्थिति विकट नजर आती है। एक तरफ खुदाई होने से गड्ढे से पानी भर जाता है, वहीं जब यहाँ से वाहन गुजरते हैं तब हादसों का डर बना रहता है कि हवा आंधी में वाहन जरा सा अनियंत्रित हुआ तो सीधे गड्ढे में ही गिर सकता है। निर्माण एजेंसी से लेकर नगर निगम या यातायात पुलिस ने सुरक्षा के कोई प्रबंधन नहीं किए हैं, जबकि नियम अनुसार निर्माण कार्य शुरू होते ही पहले ही सुरक्षा के प्रबंध किए जाने चाहिए थे। चीन की हरकतों पर हर एक भारतवासी का गुस्सा उबाल पर है। मंगलवार शाम कांग्रेस सेवा दल ने शहीद चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। सेवा दल ने शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं चीन की हरकतों का करारा जवाब देने के लिए चीन का पुतला भी फूंका। इस मौके पर कांग्रेस सेवा दल नेता रजनीकांत व्यास सहित कांग्रेस नेता उपस्थित थे। सेवादल जिला अध्यक्ष ने संबोधित करते हुए कहा, यंग ब्रिगेड कांग्रेस सेवादल के तत्वाधान में आज वीर शहीदों को जो चाइना की बॉर्डर पर शहीद हुए हैं, उन सभी शहीदों को सम्मानपूर्वक यंग ब्रिगेड कांग्रेस सेवादल द्वारा श्रद्धांजलि दी गई है, तथा चाइना के पुतले का भी, राष्ट्रपति का पुतले का दहन किया गया है।